हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक स्मार्ट ईट स्मार्ट। आज हम बनाएंगे साउथ गुजरात की फेमस डिश तुअर का ढेकड़ा। इसे तुअर दाना का वड़ा भी कहा जाता है और ये बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसको हम गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। फिर हम उसमें डालेंगे तिल 2 चम्मच, फिर डालेंगे हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट 1 चम्मच, फिर स्वाद के अनुसार नमक, फिर डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, फिर डालेंगे हींग 1/2 चम्मच, उसके बाद हम डालेंगे गुड़ 3 चम्मच, अब हम डालेंगे हरा लहसुन 2 चम्मच, उसके बाद हम डालेंगे सूखा लहसुन कटा हुआ 1 चम्मच, अब हम डालेंगे तुअर के दाने 150 ग्राम जो हमने पहले से बॉईल कर लिए हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे उबालेंगे थोड़ी देर। जैसे ही पानी थोड़ा उबलना शुरू हो जाए तब हम डालेंगे धनिया पत्ती 3 चम्मच, उसके बाद हम डालेंगे तेल 2 चम्मच। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाए तब हम डालेंगे चावल का आटा 1 कप। यहाँ पे आपको चावल का आटा 1 कप लेना है और उसके साथ पानी भी 1 ही कप लेना है, तो ये प्रोपोर्शन को आप जरूर याद रखिएगा। अब हम सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब सभी चीज अच्छी तरह से मिल जाए तब हम इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट के बाद हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाउल में निकालेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमारा मिश्रण अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें से छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे। इसी प्रकार से हम सभी टिक्की को तैयार कर लेंगे। अब हमें एक पैन में तेल गरम करना है और सभी टिक्कियों को उसमें फ्राई करना है। यहाँ पे हमें गैस की आंच मीडियम से हाई रखनी है। ये हमारा ढेकरे फ्राई होके रेडी है। आप देख सकते हो हमारे ढेकरे कितने अच्छे बने हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे टमाटर केचप के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।